ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी की सारी इच्छाओं को पूरा करें, है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, भैया हमने बहुत व्रत करके देख लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है, आपको 25 लौंग लेने होंगे। छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी इच्छाएँ हैं, माता रानी पूरी ज़रूर करेंगी, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, एक भी गलती कर दिए तो पूरा उपाय खराब हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्क्रीन पर आपको लौंग दिख रहा है ना, हमें कितने लौंग लेने हैं, सारी खेल यहीं पे स्टार्ट है ना। देखो, आपको लेने होंगे जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी उम्र है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि आपकी उम्र 25 साल है, तो आपको कितने लौंग लेने हैं, 25 लौंग। आपकी उम्र मान लेते हैं 30 साल है, तो कितनी लौंग लोगे, 30 लौंग। आपकी उम्र 60 साल है, तो कितनी लौंग लोगे, 60 साल। पूरी मेरी बात 60 लौंग, मेरी पूरी बात कहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी उम्र है, चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो महिला हैं, आपको उतने ही लौंग को लेना होगा। समझ में आई बात मेरी ना, ठीक है। देखो, लौंग ले लिया, अब इस लौंग को क्या करोगे, आपको माला बनानी होगी। जैसे देखो स्क्रीन पे बना हुआ है ना, इसी तरीके से आपको लौंग की माला बनानी है। लोग यहाँ पे डाउट में होते हैं, भैया काले धागे में बनाएंगे या फिर लाल धागे में, इसीलिए मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा भी दिया है। यहाँ पे देखो लाल धागे में बना हुआ है, बना है ना, तो आपको भी लाल धागे में ही लौंग की माला को बनाना होगा, है ना। बना लिया लौंग की माला, अब आपके घर के आसपास किसी भी देवी माता का मंदिर हो, कोई भी माता हो, कोई भी, घर पे नहीं, कोई भी मंदिर में जाना जिसमें देवी माता की मूर्ति हो, जहां उनकी मूर्ति स्थापित की गई हो, उनके गले में ले जा करके आपको उस लौंग की माला को समर्पित करना है। क्या आपको पता है कि नवरात्रि के दिनों में दो चीज़ें माता को बहुत प्रिय हैं? पहली चीज़ तो होती है लौंग, उनको बहुत प्रिय है। और अगर फूल में मैं बात करूँ तो एक गुड़हल का फूल होता है, वो माता को बहुत प्रिय है। तो लौंग की माला जो भी व्यक्ति पूरी नवरात्रि में किसी दिन अपने उम्र के बराबर की लौंग को लेकर के माला बना करके पहना देता है, माता रानी उससे बहुत खुश होती हैं और उसके जीवन में जितनी अड़चने होती हैं वो सारी अड़चने खत्म हो जाती है ना। तो लौंग की माला का ये उपाय पूरी नवरात्रि में जब भी आपको टाइम मिलता है किसी भी एक दिन ज़रूर करिएगा, है ना। समझ में आई बात मेरी ना। चलो, तो यहाँ पे लौंग की माला की तो बात आपको समझ में आ गई है। अब जो मैंने आपको अभी बताया था वीडियो में कि माता को जो फूलों में प्रिय है, यही होता है गुड़हल का फूल। आपके साइड में इस फूल को क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो समझते हैं। अब देखो, आज के टाइम पे क्या है ना कि मैक्सिमम लोग सभी के घरों में क्या हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं। भैया हमारे घर में हमारी माता जी बीमार है, पिताजी बीमार है, भाई बहन बीमार है, सारे पैसे डॉक्टर ले जा रहे हैं, सारे पैसे दवा में जा रहे हैं। कितने भी कमा लो लेकिन पैसे दवा में ही जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मात्र एक फूल लेने हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसी तरीके से गुड़हल का एक फूल लेना, लाल वाला। गुड़हल में भी कई तरीके कलर आते हैं लेकिन लाल वाला लेना, एक फूल लेना और उसको लेके जाओगे किसी भी देवी माता के मंदिर में। कहाँ जाओगे, जो एक गुड़हल का फूल है ना, उस फूल को माता के चरणों में, ऐसा नहीं कि ऊपर रख दिया नीचे रख दिया, नहीं, उस फूल को माता के चरणों में रखो कि किसका नाम लेकर के, माता प्रसूति का नाम लेकर। फिर से बोल रहा हूँ, गुरु जी की कथा चल रही थी एक टाइम पे कोटा में, उस कथा में गुरुजी ने इस उपाय को बताया था, है ना। तो आपको क्या करना है, माता के मंदिर में जाना है, उस गुड़हल के फूल को लेके जाना है, उनके चरणों में माता प्रसूति का नाम लेकर के रख देना। रखने के बाद जो भी पूजन अर्चना करनी हो, दीपक वगैरह जलाना हो, प्रज्वलित करना हो, सब कुछ कर लेना। जब आपकी पूजन खत्म हो जाए, जब आपकी जो भी पाठ अर्चना करनी हो खत्म हो जाए, तो उस गुड़हल के फूल को फिर यहां से उठाना और माता के मंदिर के ही चौखट पे बैठ करके आपको उस लाल फूल को, गुड़हल के लाल फूल को एक एक पत्ती, एक साथ नहीं, एक एक पत्ती को निकाल निकाल करके, तोड़ तोड़ करके, माता प्रसूति का नाम लेकर के चबा चबा करके, जो भी व्यक्ति खा लेता है उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं और जो वो मेडिसिन खाता है, जो वो दवा खाता है, वो भी उसको असर करना शुरू करती है, ठीक है। समझ में आई बात ना। तो माता प्रसूति का ये उपाय आप सभी को पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी वक्त कर सकते हो। बस कोशिश करेंगे कि अगर आप शाम के टाइम पे करते हैं तो इसका फल बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय, ये भी उपाय बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है और इस उपाय का बेनिफिट है कि आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी है तो इस नवरात्रि आपकी वो कामना पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर आपको बेलपत्र दिख रहा है ना, कितनी बेलपत्र लोगे, आपको लेनी होगी यहाँ पे बहुत सारी बेलपत्र। बहुत सारी मतलब कि जैसे या तो आप 21
21 से कम नहीं लेना है, 21 ले लो, 51 ले लो, 101 ले लो, इस तरीके से आपको बेलपत्र को लेनी होगी, है ना। अब कहोगे भैया हमें एक तो मिलती नहीं है, बताते हो 21, 51, 101 कहाँ से लाएंगे, तो जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई हो उसी बेलपत्र को ले आओ, उसको धुल लो और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो आपने बेलपत्र ले लिया, अब इस बेलपत्र को क्या करोगे, आपको इसकी माला बनानी होगी, है ना। माला बनाओगे लेकिन पहनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, समझिएगा। माला को जब बनाया करो ना तो उसमें सुई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, धागे को उसकी डंडी में बांध बांध करके उसकी माला बना लो, ठीक है। माला बन गई, अब इस माला को लेकर के कहाँ जाओगे, किसी भी देवी माता के मंदिर में। लेकिन पहनाने से पहले एक छोटा सा काम हम सबको ज़रूर करना होगा, वो कौन सा काम है कि जब आप माता के मंदिर में उनकी सामने खड़े होंगे तो उस बेलपत्र की माला को अपने सीने से लगाएंगे, अपने हार्ट से लगाएंगे, अपने हृदय से लगाएंगे, आँखों को बंद करेंगे, माता का स्मरण करेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके विषय से बहुत दिनों से अधूरी है, परेशान हो गए उपाय कर करके फिर भी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो वो बात माता से कहना, उस बेलपत्र को अपने हृदय से सीने से लगाना, लगाने के बाद फिर उस बेलपत्र को माता के गले में समर्पित कर देना, पूरी नवरात्रि में किसी एक दिन, है ना, जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, माता के गले में समर्पित करने से, इससे भी क्या होता है, जो बीमारियां होती हैं, जो हमारे घर में क्लेश होते हैं, जो हमारी इच्छा होती है वो तो पूरी होती है, घर की जितनी निगेटिव एनर्जी होती है घर से बाहर निकल जाती है ना। बहुत ही प्यारा सा उपाय था नवरात्रि में करने वाला, बेलपत्र की माला का ये उपाय, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को भी ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तीन तो हो गए, एक और बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करते हैं जो कि हमें दीपक को जला करके करना है। कैसे करना है और क्या बेनिफिट है, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब देखो इस उपाय को सबसे पहले समझो कि इसके बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। इसके दो फायदे हैं, है ना। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में बहुत क्लेश होता है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, मतलब उसको मेडिसिन असर ही नहीं करती है, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, है ना, आटे का नहीं लेना है, मिट्टी का दीपक लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे दो लौंग, कितने, दो, इससे ज्यादा नहीं लेना है, दो लौंग लेना, और आपको फिर से लेने होंगे दो कपूर के टुकड़े, दो लौंग, दो कपूर के टुकड़े और एक दीपक। उस एक दीपक को लेके चले जाओगे किसी भी देवी माता के मंदिर में, जो मंदिर आपके घर के आसपास सबसे नजदीक हो, है ना, लेके जाना। और शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, जिस टाइम पे सूर्यास्त होता है, माता के सामने उस दीपक को रखना, और इस दीपक में ध्यान रखना है कि आपको चार इस तरीके से दो बत्ती लगानी है जिसके चार मुख इस तरीके से बन रहे हो, है ना, समझ में ही बात, इस तरीके से बन रहे हो। उसके बाद इसमें आपको गौ माता का घी डालना है, क्या डालना है, गाय माता का घी डालना, घी से इसको पूरे दीपक को भर देना। जब आप माता के सामने इस दीपक को रखेंगे घी से भरा हुआ, तो आपको जलाने से पहले इसमें दो लौंग डालने हैं, क्या डालोगे, जो दो लौंग मैंने बताए वो डालना, और जो दो कपूर के टुकड़े मैंने बताए वो भी इसी दीपक में डाल देना। और माता के सामने रखने के बाद आपको क्या करना होगा, इस दीपक के चारों मुखों को जलाना है, किसी एक को नहीं जलाना है, चार की चारों मुख को इसमें जलाना। जो भी कष्ट है, जो भी व्यथा है, जिस वजह से बहुत परेशान हो, माता से हाथ जोड़ना, विनती करना, कह देना। बाकी जो भी पूजन पाठ करनी हो, कोई भी पाठ पढ़नी हो, चालीसा पढ़नी हो, वो आप पढ़ सकते हैं। तब तक करेंगे पूजन जब तक यह दीपक की जो चारों ज्योति यहाँ पर जल रही है, यह दीपक की चारों ज्योति बुझना जाए, ठीक है। कितनी देर जलेगी, 5 मिनट, 10 मिनट, इतनी देर तो इतनी देर तो पूजा कर ही सकते हो, तो जल जाए, उसके बाद वहां से उठना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना, है ना। करके देखिएगा इस उपाय को, पूरी नवरात्रि में जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, कर सकते हैं। तो कोशिश तो की मैंने इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक जरूर किया करिए। मुझसे फोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। और जितने भी भाई बहन मेरी समाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।